स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। इस वक्त हम अल्लामीन मेडिकल कॉलेज में मौजूद हैं और मैं आपको बता दूं, इस वक्त जो कोरोना से ये मामले सामने आ रहे हैं कि कई हॉस्पिटल जो बंद हो चुके हैं और जो डिलीवरी का प्रॉब्लम है उस डिलीवरी पेशेंट को भी देखा नहीं जा रहा। तो मैं आपको बता दूं, इस वक्त एक खास मीटिंग यहाँ पर जिम्मेदारों के साथ ली गई और उस वक्त हम भी यहाँ मौजूद थे। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर जो सलीम डुंची साहब हैं, जो इस हॉस्पिटल के डीन हैं, उन्होंने एक अच्छा निर्णय लिया है और इससे पहले भी वो अपने तौर पर सर्विस हॉस्पिटल में दे रहे थे, मगर अब 24 घंटे उन लोगों ने डिलीवरी पेशेंटों को देखने की बात कही है, जो पूरी तरह से बीजापुर वालों को एक अच्छी खबर है। ये जो भी कोरोना की हालात बीजापुर में चल रहे हैं, तो हमारे अल्लामीन भी अच्छा सा सर्विस दे रहे हैं और इसके आगे भी, स्पेशली जो लेडीज के मामले के केसेस हैं, गायनेक के मामले के केसेस हैं, जो डिलीवरी हैं, सीजेरियन केसेस हैं, वो पूरे हमारे अल्लामीन के स्टाफ और जो भी बीजापुर के थोड़े गायनेकोलॉजिस्ट अपनी सर्विस देने के लिए तैयार हैं, उनको लेकर हम ये जिम्मेदारी लेते हैं कि पूरे ये गायनेक के कभी भी 24/7 वो सर्विस हम एक सेना की तरह देने के लिए तैयार है। मैं डॉक्टर सलीम डुंसी, डीन अल्लामीन मेडिकल कॉलेज बीजापुर। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज शहर बीजापुर में इदारा अल्लामीन मेडिकल कॉलेज के जानिब से एक बहुत बड़ी कोशिश हो रही है कि इदारा अल्लामीन अपने आप में एक साबित दे रहा है कि इस कोविड के टाइम में भी पूरा इदारा और वहाँ का स्टाफ, यहाँ पे बहुत से औरतों को डिलीवरी के मामले में परेशानी का सामना कर रहे हैं और बहुत से औरतों को तकलीफ भी हो रही है कि दवाखाने वगैरह बंद रहने की वजह से। तो आज अल्लामीन के डीन साहब और यहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो मिलकर, और हमारे शहर के बड़े डॉक्टर जो मालदार साहब हैं, सांगलीकर साहब हैं और हमीद मुशरिफ साहब हैं, ये सब मिलकर उनको रिक्वेस्ट करने के बाद, वो इससे पहले भी अच्छी सर्विस दे रहे थे, मगर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस देने के लिए हमारे वॉलेंटियरली जो हमारे हबीबुल अत्तार साहब हैं और हमारे हफ्ती वाले साहब हैं और हमारे डॉक्टर साजिद मुदोल साहब हैं, ये अपने जो अपने डीवीआई हैं, जो डॉक्टर हैं, तो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देने के लिए अल्लामीन को बोले हैं कि वो अल्लामीन को यहाँ पे जो भी पेशेंट अपना जो प्रॉब्लम है मायकों के, औरतों के मामले, जो डिलीवरी का हो या ऑपरेशन का हो, तो अल्लामीन को आए, इसका फायदा उठाएं, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं, इदारा अल्लामीन आपके लिए सदा इसी तरह खड़े रहेगा, इस इदारे से आप फायदा उठाएं और आपकी जो तबीयत का ख्याल रखें और घर में रहें, सेफ रहें, अगर जो भी कुछ भी अगर दवा खाने का प्रॉब्लम है तो अल्लामीन को आ जाएं। अल्लामीन के जानिब से जो डॉक्टर सर्विस दे रहे हैं हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और यहाँ पे जो वॉलेंटरी डॉक्टर भी आके जो सर्विस दे रहे हैं उन लोगों का भी शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लामीन मेडिकल कॉलेज के ट्रस्टियों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। बीजापुर के शहर के जानिब से, सभी के जानिब से हम अल्लामीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने खास करके औरतों के लिए ये जो काम करने जा रहे हैं, ये बहुत बड़ा काम है। हम चाहते हैं कि आइंदा भी ये अल्लामीन इसी तरह हमारे साथ खड़े रहें और हर कौम के वर्ग के लोगों को ये सर्विस देते रहें, हर जात के लोगों को भी इसका फायदा उठाने के लिए हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वो अल्लामीन की तरफ रुख करें। क्योंकि अक्सर ये सुनने में आ रहा था कि कई हॉस्पिटल्स जो डिलीवरी पेशेंट को देख नहीं रहे हैं और यहाँ तक के हॉस्पिटल ने अपने हॉस्पिटल्स को भी बंद रखा है, उसके बावजूद अल्लामीन वालों ने बीजापुर की जनता के लिए, खास करके सेवा के लिए आगे आते हुए यहाँ के डॉक्टर्स बिना कोरोना से डरे हुए इस लड़ाई में लड़ने के लिए और जनता की सेवा के लिए और अपनी पूरी तरह से खिदमत दे रहे हैं। मैं आपको बता दूं, ये डॉक्टरों की बहुत बड़ी सेवा है, जो डॉक्टर अपनी जान की रक्षा को भी ना देखते हुए जनता की, लोगों की रक्षा के लिए अपना वक्त निकाल कर उनकी सर्विस देने के लिए आगे आ रहे हैं, ये हमारे लिए आज भगवान से कम नहीं है। मैं आपसे यही कहूंगा कि इन डॉक्टर्स के लिए भी आप दुआ करें कि ये भी सियताब रहे, इनका परिवार भी सियताब रहे। बस मैं यही चाहूंगा कि आज जो डॉक्टर्स हैं वो हमारे सेना से कम नहीं। तो
मैं फिर से कहूंगा, आपका भी फर्ज बनता है कि डॉक्टर्स की इज्जत करें और डॉक्टर्स के का सहयोग करें और अपनी सेवा, खासकर जो डिलीवरी पेशेंट हैं, वो अपनी सेवा आकर अल्लामीन हॉस्पिटल में ले सकते हैं। और खबरों के लिए देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन।